तो अगर आप VI का सिम यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पर अचानक इस तरह के फ्लैश मैसेज आते रहते हैं, डाउनलोड VI ऐप वगैरह, और यह मैसेज हर 5 से 7 मिनट पर लगातार आते रहते हैं, जो कि सच में बहुत इरिटेट करते हैं। तो आज मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ऐप्स में सिम टूल किट इसे ढूंढना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे मिल रहा है सिम टूल किट। तो आपको इसे ढूंढना होगा। अगर आप इसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आपको सिंपली गूगल में आ जाना है, और यहाँ पे मैं गूगल में आ जाता हूँ। और गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सिम टूल किट। और ये देखिए, यहाँ पे सर्च करने के बाद अगर आपके फ़ोन में सिम टूल किट ऐप है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ आने के बाद यहाँ आपको फर्स्ट नंबर पे ये देखिए फ्लैश लिखा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है, ये देखिए इस तरह। और यहाँ आने के बाद यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपको एक्टिवेशन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए आपको एक्टिवेट डीएक्टिवेट शो मैसेज, मैं शो मैसेज करके दिखा देता हूँ कि किस तरह के मैसेज आते हैं। तो इस तरह के मैसेज आपको आते रहते होंगे, तो इसे यहाँ पे फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। और फिर से आपको यहाँ फ्लैश पे क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ फ्लैश, और यहाँ आपको एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। और ये देखिए सेकेंड नंबर पर डीएक्टिवेट है, यहाँ आपको क्लिक करना है, प्रेस ओके कंटिन्यू टू डीएक्टिवेट प्रोसेस, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार और ओके करना होगा, फ्लैश डीएक्टिवेटेड, तो यहाँ पे इस तरह से, और यह डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके कुछ समय बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा VI की तरफ से कि आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये देखिए मुझे यहाँ पे मैसेज आ गया है कि आपका रिक्वेस्ट रिसीव हो गया हमें, और ये 2 से 4 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।